आज मैं बनाने जा रहा हूँ एक फिश टैंक, जो कि है एक देसी घर घरेलू एक फिश टैंक, DIY फिश टैंक जो मैंने आज पहली बार बनाने जा रहा हूँ। तो पुराना घरेलू बाकेट और ये कुछ गप्पी फिशेस है और ये एक ट्री है। इसका नाम क्या है मुझे पता नहीं है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसका नाम क्या है। तो चलो, तो इसमें मैं पानी भर के लेके आया है और ये क्या ट्री है मुझे नहीं पता, इसको मैं ऐसे रखता हूँ। और इसको मैं एक्लिमेट करता हूँ, पहले इसको एक्लिमेट करता हूँ। तो ये एक्लिमेट हो रहा है। इसमें दो ब्रीडिंग साइज का है गप्पीस, सो इसको एक्लिमेट कर लेता हूँ। पहले 5 मिनट एक्लिमेट करने के बाद फिर उठाऊंगा इसको, फिर डाल दूंगा इसको। तो मैं और फिश टैंक दिखाता हूँ आपको। फिश और एक ब्लैक गोल्ड फिश है, ये दो गप्पी का बेबीज है और इसमें विड्रो और ये है फ्लेटी का बेबीज और इसमें दो फ्लेटी है और सब के सब मोली है, दो फ्लेटी और सबके सब मोली। तो इसको भी सपोर्ट, आप लोगों का सपोर्ट से इसको भी मैं फिर से एक नया रूप दूंगा इसको। और ये है फ्लेटी का बेबीज, ठीक है। तो फिर से चलते हैं हम अगले टैंक पे, जो पहले वाला टैंक है हमारा, इसमें चलते हैं। इसका वाटर बड़ा ख़राब हो गया, इसका कल वाटर चेंजिंग करेंगे, इसका भी चेंज करेंगे, इसका भी चेंज करेंगे और इसका भी चेंज करेंगे। कल 20 दिन हो गया चेंज नहीं किया, मैं हर 20 डेज के बाद वाटर चेंज करता हूँ, बट अभी चेंज नहीं, कल चेंज करूँगा। और ये गोल्डफिश का भी चेंज करना पड़ेगा। और ये मेरा ओविजन का, तो अब इसको वाटर में डालते हैं, इसको वाटर पे डालते हैं। देखिए इसको वाटर पे कैसे डालते हैं, देखिए आप। तो गाइस ये था हमारा न्यू फिश टैंक, DIY फिश टैंक। तो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए और आप लोगों का सपोर्ट से और एक फिश टैंक बनाऊंगा। थैंक यू।